हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू आज है थर्टींथ नवंबर एंड आई सुची राना ऑल इन टूडेज करंट अफेयर सेशन सो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया सो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में कौन सी तारीख पर सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन दो हैं आपके सामने बारह नवम्बर एंड थर्टींथ नवम्बर यानी कि तेरह नवम्बर सेक्शन में usual, जैसे आप करते हैं अपने, के हर साल 12 नवंबर को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करते हैं क्यों सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉम द फर्स्ट एंड ओनली विजिट ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली इन 1947 सेवन so, सो सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो विजिट करी थी किसी भी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में सो so, वो थी ऑल इंडिया रेडियो की स्टूडियो इन डेली इन 1947 यानी कि 1947 के अंदर पहली बार महात्मा गांधी जी ने जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन कहे है जाते हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट और ओनली विजिट करी थी किसी एक स्टूडियो में जिस जो है दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया रेडियो इन 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं सेंटर हैज फॉर्म एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू स्ट्रेंथन द कैपिटल गुड्स सेक्टर हु विल हेड दिस कमेटी सो सेंटर ने एक uh, कमेटी बनाई है जिसका नाम है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ये किस लिए बनाई है जितना भी कैपिटल गुड सेक्टर है उसको मजबूती स्ट्रेंथन uh, करने के लिए मजबूत करने के लिए कमेटी बनाई है सो so, इस कमेटी को कौन हेड करेगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या फिर प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे एंड द राइट आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो सेक्रेटरी है इस डिपार्टमेंट के वो इसको हेड करेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेटअप एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी टू स्ट्रेंथन द कैपिटल गुड सेक्टर टू हेल्प दम इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एक्टिवली टूर्ड ने यूएसडी वन ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो जो हमारा गोल है कि हम बाय समाइम बाई टू अटेन असडी वन ट्रायलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो इस uh, हमारे गोल को अचीव करने के लिए ये जो कमेटी है ये हेल्प करेगी

ऑप्शन में दो ऑप्शन हमारे सामने सुनशा या फिर चैनमैंग सो वर्ल्ड नंबर जो प्लेयर है बेसिकली uh, uh, जो है इन्होंने चाइनीज कॉम्पिटिटर को हरा कर जिनका नाम है शुनिंग शाह उनको हरा कर ये आई 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 टी टी एफ का वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल जो टेबल टेनिस टाइटल है वो अपने नाम किया है इन चाइना जो कि एक प्रोग्राम एक जो टूर्नामेंट है वो हेल्ड हुआ था 8 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड निमोनिया डे एनुअली सो हम कौन से डे को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे के उपलक्ष्य में बेसिकली सो वर्ल्ड निमोनिया डे जो है हम हर साल 12 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं या 13 नवंबर को करते हैं एंड द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नवंबर यानी कि 12 नवंबर को हम हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे जो है ग्लोबली इसको ऑब्जर्व करते हैं क्यों करते हैं बेसिकली टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड प्रोड्यूस एक्शन टू द डिजीज जो नामक एक बीमारी होती है ये बेसिकली बच्चों को होती है बड़ों को भी होती है लेकिन बच्चों में इसके जो असर है वो काफी ज्यादा काफी गंभीर होते हैं सो so, यहाँ पर निमोनिया के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए उनके प्रिवेंशन को प्रमोट करने के लिए कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से आप इस बीमारी से जो है बच सकते हैं उसके लिए वर्ल्ड निमोनिया डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया गया 2019 में और यहाँ पर जो बेसिकली uh, मुद्दा था वो था चाइल्ड निमोनिया uh, कि चाइल्ड निमोनिया से uh, हमें छुटकारा पाना है जल्द से जल्द तो 2019 में पहली बार मनाया गया था और दूसरी बार हम 2020 के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं ऑन ट्वेल्थ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पड़ जाते हैं विच स्टेट हैज बैक द बेस्ट स्टेट प्राइज इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2019 सो so, कौन से स्टेट ने ये जो बेस्ट स्टेट प्राइज है नेशनल वाटर अवार्ड्स का वो अपने नाम किया है तमिलनाडु ने या महाराष्ट्र ने एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु सो so, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें टॉप पोजीशन पर इस अवार्ड के अंदर नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पर है और उसके बाद जो है ये महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर कौन आता है राजस्थान अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी में जो अवार्ड है तो मिजोरम टॉप पोजीशन पर रहा है सारे ही स्पेशल कैटेगरीज के अंदर सो so, नेशनल वाटर अवार्ड्स बेसिकली आ, ये सारे स्टेट्स में और अलग अलग आ, यूनियन you टेरिटरीज know, या स्पेशल कैटेगरीज में ये जो अवार्ड हैं ये दिए गए हैं तो so, यहां पर ये जो ग्राउंड वाटर एग्यूमेंटेशन अवार्ड्स हैं या नेशनल वाटर अवार्ड हैं ये दो में लॉन्च किए गए थे और इनका ऑब्जेक्टिव था टू अनकरेज ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज वाटर यूजर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेट सेक्टर एज वेल एज इंडिविजुअल्स तो यहां पर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो एनजीओस uh, हों कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या फिर uh, कोई भी प्रोग्रामिंग uh, pro, uh, या को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन uh, हो कोई भी इंडिविजुअल हो सबके अंदर uh, ये चेंज लेकर आना सबको ये बताना कि हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर फॉर अस ठीक है और किस तरीके से आप ग्राउंड वाटर सेव कर सकते हैं किस किस तरीके से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं किस तरीके से आप वाटर का आर्टिफिशियल रिचार्ज कर सकते हैं किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं वाटर की एफिशिएंसी और इसमें जो लोग हैं उनको उनका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है कि जिससे कि हम एक सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कर सके ठीक है सो यहाँ पर सरफेस वाटर और बेसिकली ग्राउंड वाटर जो है हमारे लाइफ uh, का बहुत इंट्रिगल पार्ट होता है तो उसी को सेव करने के लिए या उसमें अ uh, लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए हाउ इम्पोर्टेंट वॉटर इज फॉर अस सो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे सो बेस्ट एट नॉर्मल कैटेगरी था फिर बेस्ट स्टेट स्पेशल कैटेगरी भी है बेस्ट स्टेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक कैटेगरी है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिवाइवल ऑफ रिवर भी कैटेगरी है इस तरीके से बेस्ट विलेज पंचायत जो है इस तरीके से कुछ अवार्ड्स हैं अगर हम बात करें कि विलेज uh, पंचायत लेवल पर वाटर कंजर्वेशन कैसे हो रहा है या पानी की बचत कैसे हो रही है तो यहाँ पर जो अलग अलग लेवल के uh, जो भी सामने आए हैं जो भी चीजें उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है तो यहाँ पर बेस्ट स्टेट प्राइज आ, के तौर पर नेशनल वाटर अवार्ड में तमिलनाडु टॉप पोजिशन पर है और मिजोरम स्पेशल कैटेगरी के अंदर टॉप ऑपोजिशन पर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं द पर्पल कैप हैज बीन वॉन बाय व्हिच प्लेयर इन आईपीएल 2020 सो एज यू नो कि आईपीएल फाइनल्स हो चुके हैं और मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर आईपीएल 2020 अपने नाम किया है अब उनके स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं कि इस साल आईपीएल 2020 के अंदर पर्पल कैप किसने पहनी है तो ऑप्शन में दो ऑप्शंस हमारे सामने युजवेंद्र चहल या फिर रबाडा एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स रबाडा ने इस साल uh, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं और ये डेल्ही uh, कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं इन्होंने लगभग 30 विकेट इस आईपीएल 2020 के अंदर लिए हैं और पर्पल कैप पहनी है रबाडा ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं नेम द प्लेयर हु हैज द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2020 ट्वेंटी so, सो uh, जो ऑरेंज कैप है ये ज्यादा रनों के लिए होती है कि, कि किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और यहाँ ऑप्शन में दो ऑप्शन है डेविड वॉर्नर या फिर के एल राहुल एंड द राइट आंसर इज के एल राहुल ने जो कि किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हैं इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए यानी कि सिक्स सेवेंटी टोटल रन है इनके और इन्होंने पहनी है ऑरेंज कैप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं सिंचा समाधान बायोलिंग मोबाइल एप्लीकेशन इज लॉन्च बाय विच स्टेट तो एक सीचा समाधान नामक एक यानी कि दो भाषा की दो भाषा की एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है और एक कौन से स्टेट ने की है हरियाणा ने या उड़ीसा ने एंड द राइट आंसर ओवर हियर हिस्सिशा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च की है शिचा समाधान एक बायोलिंग्वल मोबाइल एप्लीकेशन जिससे कि जितने भी इरिगेशन प्रॉब्लम्स है यानी कि सिंचाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी कोई फार्मर फेस करता है वो यहाँ पर इस पे दर्ज करा सके इस मोबाइल एप्लीकेशन में बिना किसी ऑफिस को विजिट किए हुए लॉन्च फॉर अदर ऑनलाइन सर्विसेज टू रिजॉल्व द इशू ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज कमर्शियल कमर्शियलिशमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन और साथ ही उन्होंने चार और ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर लॉन्च की हैं जिससे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो, हो जाए जितने भी इंडस्ट्रीज का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है या कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट का या जो भी इंस्टीट्यूशन है अदर इंस्टीट्यूशन कोई भी इश्यू होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने चार और ऑनलाइन सुविधाएं जो है वो लॉन्च की है अलोंग विथ सिंचाई समाधान नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑप्शन में हमारे सामने दो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है एक तरीके से दो इम्पोर्टेंट uh, नाम है तो हम इनमें से कौन सी दिन पर हम नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या कर चुके हैं सो द राइट आंसर ओवर हियर इज धनतेरस डे सो जब धनतेरस होता है तब हम नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अगर हम बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी की तो पीपल आर कंफ्यूज के इस साल धनतेरस जो है वो बारह नवंबर को है या तेरह नवंबर को है सो so इस धनतेरस को ना ध्यान में रखते हुए साल जो है ये बेसिकली uh, ये जो डे है नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो हम तेरह नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि धनतेरस डे को हम नेशनल आयुर्वेदा डे के तौर पर मनाएंगे सो इट वाज़ फर्स्ट ऑब्जर्विंग अक्टूबर ट्वेंटी एट टू थाउजेंड सिक्सटीन यानी कि दो हजार सोलह में पहली बार इस डे को धनतेरस वाले दिन ही सेलिब्रेट किया गया था और इस साल हम इसे तेरह नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, की तरफ बढ़ जाते हैं विद स्टेट असेंबली a अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग separate सरना कोड फॉर ट्राइबल्स कौन सी स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि एक अलग ट्राइबल्स के लिए एक अलग सेपरेट सरना कोड जो है वो बनाया जाए तो यहाँ झारखंड है और हरियाणा है एंड राइट आंसर इज झारखंड द रेजोल्यूशन सीक्स अ सेपरेट कॉलम फॉर फॉलोवर्स ऑफ सरना रिलीजन इन सेंसस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यहाँ पर जितने भी ये जो लोग हैं बेसिकली ये मान ये कहते हैं जो भी सरना रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्होंने एक सेपरेट कॉलम की बात की है जो 2021 की जनगणना होने वाली है या सेंसस होने वाला है उसमें इनको एक अलग कॉलम चाहिए सरना रिलीजन वालों को जितने भी सरना फॉलोवर्स हैं उनके लिए देर वॉर सेपरेट सरना कोड बिटवीन 1871 एंड नाइनटीन फिफ्टी और 1951 के बीच में सेपरेट सरना कोड हुआ करता था सी conspiracy. Conspiracy के चलते रिमूव कर दिया गया तो जितने भी सरना फॉलोवर्स है वो अब इसकी दोबारा से डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक अलग से सेपरेट कॉलम चाहिए सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप इट्स क्लियर आई होप के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड इफ इट्स ट्रू के आपको सेशन uh, पसंद आया है So do like this video and share it with your friends. Also subscribe our channel for latest updates. I will see you in next current affairs session. Till then, keep learning, keep reading and take care of yourself and enjoy the uh, mood of festive and the festivals coming up. So th thanks for watching again. See you.